गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 5 मार्च और आज हम जा रहे हैं तत्तापानी। और अभी मैं जा रहा हूँ संदीप को लेने, वहाँ से फिर आगे एक और दोस्त मिलेगा जो मेरा कलीग है राहुल, वो भी बाइक लेके आ रहा है। तो आज 2 बाइक है, 3 लोग हैं। गाइज अभी बजे हैं 9 और मैं संदीप के घर के बाहर हूँ, ये खड़ी हुई है बाइक। तो चले फिर। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Rahul aa gaya hai, wo apni R15 nikal raha hai. Sandeep Rahul ke piche baith raha hai aur main akela ja raha hu. Abhi hum niklenge yahan se aur Dhali wale raste pe jayenge, wahan se hum Tattapani jayenge. अभी छोटा शिमला वाली चढ़ाई आने वाली है और अब यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। देखो बस ऊपर चढ़ने लगी है। ये सबसे अच्छा रोड है शिमला का मेरे को तो लगता है पर्सनली। गाइस मैं ये 9 बार वाली चौक पर रुक गया हूँ, संदीप भर के इंतज़ार कर रहा हूँ, वो पीछे रह गए हैं। राहुल और संदीप आ गए, अब चलते हैं यहाँ से। हेलो, चले। अरे वाह, चंजोली में मॉल रोड की तरह सफाई होती है रोड पे। भाई क्या कर रहे हो, एकदम रोक दे रहे हो। अबे रोड के बीच में ब्रेक क्यों मार रहे हैं? इसको कुछ नहीं हुआ होगा, टूटी तो नहीं कहीं से? नहीं नहीं, यहाँ से बढ़िया। चल रिफ्लेक्टर बच गया, रिफ्लेक्टर बच गया है। अभी गाइज मैं संदीप भर का वेट कर रहा हूँ और अभी अभी एक स्कूटी में लग गई, स्कूटी वाले ने मारे ब्रेक, थोड़ी सी टकराए, रिफ्लेक्टर बच गया अपना, नहीं तो रिफ्लेक्टर भी टूट जाता। अभी संदीप भर को मैंने आगे भेज दिया है। देखो यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, ठंड हो गई है इस इलाके में, धूप नहीं आ रही ना, इसलिए बर्फ़ भी नहीं पिघल रही और ठंड भी काफ़ी है यहाँ पे। इसी रास्ते पे पड़ता है मसोबरा और उसके बाद आ गया नाल तेरा, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे तत्तापानी। गाइस फर्स्ट ब्रेक लिया है, यहाँ पे पराठे खाएंगे और फिर उसके बाद चलेंगे आगे। व्यू देखो रेस्टोरेंट का, पूरी यहाँ पर टेबल है और सामने खिड़की में से ज़बरदस्त नज़ारा है। पराठे खा लिए, अब यहाँ से चलते हैं हम। चले चलो भाई चलो। ये खड़ी दोनों बाइकें R15 एंड एक्सपल्स, फोन बज रहा है मेरा। वो है साली टीबा टॉप पे। अब थोड़ी दूर चलने के बाद हम यहाँ धूप में रुके हैं, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है। इधर संदीप खड़ा हुआ है, राहुल खड़ा हुआ है और बाइकें एक इस तरफ खड़ी हुई है, एक उस तरफ, और हम नीचे देख रहे हैं यहाँ पे खेत हैं। से देखते हैं, चलो आपको दिखाते हैं। जूम हो सकता है, बाद में जूम कर देंगे। यहाँ से लगभग डिस्टेंस तत्तापानी की 33 से 34 किलोमीटर है, तो हमें करीब करीब 1 घंटा तो लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। हाँ, मोस्टली 1 घंटा आराम आराम से। वैसे तो ओवरऑल 1 घंटे का ही रास्ता था पर हम आराम से चल रहे हैं, तो 1.5 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे हमें पहुँचते पहुँचते। चलो गाइस अब यहाँ से चलते हैं आगे। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, हाइट कम होती जा रही है धीरे धीरे और मौसम थोड़ा गर्म होता जा रहा है। वही कल मैं एक वीडियो देख रहा था ना, आगे बोल रहे थे साइड में जो नाम नूम लिखे रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे वो आदमी मरा है, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होती है इस रोड पे। अरे संदीप चला रहा है। All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. भाई हम यहाँ पे रुके हैं और ये नदी पूरी दिखाई दे रही है यहाँ से, बिल्कुल ऐसे मतलब इसमें कैमरे में लाइनिंग सी दिख रही होगी ना, और वैसे वैसे देखेंगे तो बहुत मतलब नहीं, जब इसको लैपटॉप पे देखेंगे ना तो बढ़िया दिखेगी। हाँ, ये छोटी स्क्रीन पे ऐसे लाइनिंग से दिख रही है। उस साइड से आ रही है सतलुज नदी और ये पूरी उस तरफ जा रही है।
I won't stop till I hear him say. गाइज अभी हम सुन्नी पहुंच गए हैं। मेरे को नहीं पता था सुन्नी इतना बड़ा मार्केट है, ज़बरदस्त यार। देखो यहाँ पे कितना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। शिमला में तो ऐसा होता नहीं है। ये तत्तावानी आ गया है और एकदम बढ़िया नज़ारा है, मौसम एकदम बढ़िया है। जो शिमला में रहता है उसको धूप बहुत पसंद होती है, और मैं काफ़ी टाइम से शिमला में रह रहा हूँ तो मुझे भी धूप बहुत पसंद है। और पानी और धूप हो, धूप है पानी पानी। बस तत्तावानी पहुँच गए हूँ। कई लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ये लोग कहाँ रह गए थे। आ जाओ, भाई देखो नज़ारा। ये बोट खड़ी है, बाइक खड़ी है अपनी, पूरे ऊपर चढ़ा दी हमने। और संदीप आ गया है, राहुल भी आ गया है। ये रास्ता भूल गए थे, मैं इनको पकड़ के लाया हूँ अभी। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make. Guys, अभी इस भाई ने बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींची है और ये हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई। सब लोग चढ़ा दे ऊपर, काफी ऑफरोडिंग करेंगे। नहीं इधर से सही है, ये यहाँ से ऊंचा है। नहीं 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 बिठेगा, देख रहे हैं ना, ट्राई कर, देख रहे हैं हम। लिया लिया लिया, ऐसी ध्यान दे, आने दे भाई, आने दे ना। नहीं बिठ रहा, नहीं बिठ रहा, जाने दे, जाने। ठीक है ठीक है। व्यूज तो एकदम मौसम है, टेम्परेचर भी बढ़िया है यहाँ। शिमला तो बेकार है। और इधर बाइक खड़ी है, अभी बढ़िया बढ़िया फोटोज खिंचवाई है यहाँ पे। आज बोटिंग बंद है यार, फिर आना तो वेस्ट हो गया यार, क्या सीन है। चलो देखते हैं आगे, पूछते हैं। स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग गाइस, ये पूरा बंद कर रखा है, एक डेढ़ महीने से बंद है, हमें पता नहीं था, नहीं तो हम पोस्टपोन कर देते प्लान को आने के। हमने सोचा था कुछ वाटर स्पोर्ट करके आएंगे, पर यहाँ तो हमें निराशा हाथ मिली। और आशा ये रही, अब क्या करें भाई। मैं तो सोच रहा था ये जेट चलाऊंगा आके। गाइस हॉट स्प्रिंग में आ गए हैं, और क्या कर रहे हैं, कुछ खाना पीना है। हाँ देखते हैं यार, फोटो खींच दे भाई, बढ़िया सी। आप लोग कभी भी ताता पानी आओ तो होटल हॉट स्प्रिंग में पहले कॉल करो और फिर इनसे पूछो वाटर स्पोर्ट्स अभी चालू है या नहीं है। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं, स्विमिंग पूल खुला हुआ है, क्लोज है यार। अच्छा, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है ना, पानी में भी वाटर स्पोर्ट नहीं हो रहे और स्विमिंग पूल भी बंद है। गाइस हमें 2 घंटे हो गए थे यहाँ पे, हमने बढ़िया खाना खाया यहाँ पे। हमारी बाइक अभी भी वहाँ पे खड़ी हुई है, अभी हम यहाँ से चलते हैं। गाइस ताता पानी घूम लिया है, ये ताता पानी का पुलिया है, और अभी फुल मस्ती करके आए हम और बढ़िया बढ़िया फोटो भी क्लिक की हमने। अब हम वापस शिमला जा रहे हैं। मेरे साथ है संदीप जो कि R15 चला रहे हैं। ठीक है गाइज, हम चलते हैं अब यहाँ से। संदीप चल तो बेस्ट वीडियो के लिए उसने हेलमेट उतारा है, अब वो हेलमेट पहनेगा, अब हम उसको ले जाके हेलमेट देंगे। गाइज अभी हम 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं ताता पानी से, और संदीप चला रहा था R15, अब राहुल चलाएगा। अब करवी रोड आ गए, संदीप पीछे बैठ रहे हैं और मैं एक्सपल्स पे चल रहा हूँ। पर ऐसा है ये सब बहुत तेज भगा रहे थे, ये अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 70 से 80 तक रही होगी। हम मैक्सिमम गए थे 65 इतना, प्लेन सा रोड था वो, पर ये शुरुआत में बहुत फास्ट था, फिर इसको पीछे छोड़ा हमने, फिर हम आराम से चल रहे थे, पर ये पकड़ नहीं पा रहा था फिर हमें। नहीं नहीं नहीं, मैं तो है ना आते टाइम भी 30-35 पे था, तुम लोग ही तेज थे। ओके गाइज अब यहाँ से चलते हैं। कैमरा मेरे को ठीक नहीं लग रहा, कैमरा ठीक करने लग गया था और वो चले गए हैं।
अभी चलते हैं। गाइस वो जा रहे हैं आगे मेरे, पर मैं पीछे रह गया था। बकरियां गाइस शिमला पहुंच गए हैं और यहां पे अब भी जाम ही है। टनल खुली हुई है जी, यहाँ से न्यू एंट्री है अभी। अच्छा अच्छा हाँ, ये 6:30 खुलेगा। कितना टाइम हो रहा है? 6:30 खुलेगा ये। 6:30 हाँ, बहुत टाइम है। आपको कहाँ जाना है? मेरे को न्यू शिमला। आप यहाँ से बाईपास है? हाँ बाईपास। भाई ये प्राग पे दो लोग को बैठे हुए हैं। चेयर ब्रो चेयर। तो पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, सिंगल सीट पे दो लोग बैठे हुए हैं, कहीं चोट लग जाएगी कुछ और हो जाएगा, पर मानते नहीं बच्चे आजकल के। 20 आगे अब तो समझो घर ही पहुंच गए। गाइस आज 120 किलोमीटर चले पूरे दिन में। गाइस घर पहुंच गए हैं। गाइस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।